हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच कल बारिश की वजह से धुल गया था। पांचवा दिन था और टीम इंडिया को 8 विकेट जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया नहीं ले पाता है और बारिश होती रहती है पूरा दिन, मैच हो जाता है ड्रॉ। टीम इंडिया 1-0 से वो सीरीज अपने नाम करती है और इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद आप देखेंगे ओडीआई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और उसी के लिए वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ओडीआई और टी20 टीम दोनों टीमों का ऐलान हुआ है। वहां पर 2 बड़े दिग्गजों को जगह नहीं मिली है और वो एक दिग्गज इस टीम में खेल रहा था जिसका नाम है जेसन होल्डर, जबकि एक दूसरा निकोलस पूरन जो कि एक अहम हिस्सा थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज की टीम का, और वहां पर हमने देखा किस प्रकार से खराब प्रदर्शन किया था वेस्ट इंडीज ने। हालांकि निकोलस पूरन वो बल्लेबाज थे जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने खुद को फिर से अनअवेलेबल कर लिया है एक बड़ी सीरीज के लिए, और अगर ऐसा ही होता रहा तो वेस्ट इंडीज जीतेगी कैसे जब इनके खुद खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं किसी दूसरी कारणों की वजह से, बड़े मैचों में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। चलिए बात करते हैं वेस्ट इंडीज ने कौन सी स्क्वाड अपना अनाउंस किया है इंडिया की ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे तो कप्तान है शाई होप, वाइस कैप्टन रोबमैन पॉवेल है, यहाँ पर वाई करिया है, यहाँ पर कैसी कार्टी है, यहाँ पर अलिक अथानजे जो कि इस टेस्ट स्क्वाड में भी थे, शिमरन हिटमेयर की वापसी हुई है। जी शिमरन हिटमेयर जो कि काफी लंबे समय से वेस्ट इंडीज की टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन फाइनली शिमरन हिटमेयर को यहाँ पर बुलाया गया है और वो इस सीरीज में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि निकोलस पूरन बाहर गए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अलजारी जोसेफ नजर आएंगे आपको, इसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे काइल मेयर्स, गुदकेश मूर्ति एक अच्छे स्पिनर, और उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेंडन किंग नजर आएंगे, ओशान थॉमस नजर आएंगे, केविन सिंक्लेयर नजर आएंगे जिनका चयन दूसरे टेस्ट मैच के लिए हुआ था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर शायद वो वनडे और टेस्ट मैचों में उन्हें मौका मिल जाएगा खेलने का और वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये इस प्रकार की कुछ इनकी टीम नजर आती है पूरी पूरी वेस्ट इंडीज की। अब ये दो हाथ करते हुए नजर आएगी टीम इंडिया से, जहां पर वनडे की शुरुआत 2 दिन बाद होने वाली है, उसके बाद दूसरा वनडे 29 तारीख और तीसरा 1 तारीख को खेला जाएगा, उसके बाद फिर टी20 मैचों की शुरुआत होगी। फिलहाल अब देखते हैं क्या वेस्ट इंडीज टी20 मैचों में कुछ शानदार प्रदर्शन कर पाती है या फिर नहीं, जिस प्रकार से टेस्ट में खराब प्रदर्शन जारी रहा था उस प्रकार से, या फिर थोड़ा सा कमबैक दिखाएगी वाइट बॉल फॉर्मेट में जो कि थोड़ा सा सूट भी करता है वेस्ट इंडीज टीम को। तो देखना दिलचस्प होगा अब वेस्ट इंडीज किस प्रकार का प्रदर्शन करने वाली है यहाँ पर।